दुबई के हसल बसल भरे एयरपोर्ट में मैं एक बार फिर से आ गया हूँ, बट अबू धाबी जाने के लिए, मगर फ्लाइट लेके नहीं, गाड़ी रेंट करके, जो कि यहाँ से करेंगे कार रेंटल ऑफिस से, क्योंकि अपेरेंटली सबसे सस्ती गाड़ी यहीं से मिल रही थी और 1.5-2 घंटे का रास्ता है। पहली बार मैं अबू धाबी जाने वाला हूँ, रास्ते में और वहाँ पे पहुँच के जो कुछ भी दिखेगा आपको आज की वीडियो में दिखाते हैं फर्स्ट टाइम। I feel like I can rule the world, I know I could be what I want to. Above all, be yourself all the time. Let no one tell you what you can't do. It's all about life and progression, motivation. बाकी ये जो लाइन दिख रही है ना जी आपको, ये दुबई टैक्सी की लाइन है, क्योंकि एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ हो गई है जब से कोविड की रिस्ट्रिक्शंस काफी हद तक कम हुई है। गाड़ी में मिली जी 4-3 को 2-4 हज़ार रुपये के बीच में यहाँ पे रेट है, अगर आपने बेसिक लेवल की गाड़ी लेनी हो पर नाइट। उनका मैडम वीडियो बना रही है, रिकॉर्ड भी नहीं कि जहाँ जहाँ ठोटे लगे हुए हैं, वो बाय चांस कोई हमको कहे कि आपने मारे तो हमारे पास प्रूफ हो, ये बड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए बता दिया। अब निकलते हैं आगे। गाड़ी तो मैडम ही चलाएंगी क्योंकि मैं चला नहीं सकता, इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट मेरे पास है नहीं। इंडियन पासपोर्ट पे आपको और इंडियन ड्राइवर लाइसेंस पे इंटरनेशनल परमिट चाहिए ही होता है। मेरे पास कनेडियन ड्राइवर लाइसेंस है बट मैं क्योंकि वहाँ का रेजिडेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं गाड़ी दुबई में नहीं चला सकता, ओनली शी कैन ड्राइव। शेख जायद जो उनकी मेन रोड है उसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, सारी बिल्डिंग्स जो है ना लेफ्ट राइट इसके आसपास बनी हुई हैं, मगर एक लेटेस्ट एडिशन जो इसके अंदर हुई है वो है वो बिल्डिंग दुनिया की इकलौती जिसके अंदर कोई कोना ही नहीं है, देयर इज नो कॉर्नर एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। सामने आ गया म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। और ये पीछे दिख रहा है जी बुर्ज अल अरब होटल, बहुत ही सुपर लग्जरी होटल है जिसे कहते हैं। इसके अंदर कोई भी कमरा नहीं है, सारे कमरे जो है ना वो स्वीट है, स्वीट यानी कि उनके अंदर ड्राइंग रूम, बेडरूम, लिविंग एरिया वगैरह भी सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अंदर मैं जा भी नहीं सकता क्योंकि जो सिर्फ गेस्ट है वही जा सकते हैं, क्योंकि ये जो होटल है जो कि आईफल टावर से भी ऊँचा है, ये बना है एक मैन मेड आइलैंड के ऊपर जिसका एक्सेस सिर्फ या तो इसके रेजिडेंट गेस्ट को है या फिर वो लोग जो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किसी इसके रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाएँ जो कि अत्यंत महंगा होता है, या फिर चाय पीने चले जाएँ हाई टी के लिए इसके व्यूज़ वाले रेस्टोरेंट में, जहाँ पे भी आपको जाने के लिए बुकिंग करानी पड़ती है और $200-250 जो है ना इसका चाय और जो केक वगैरह आता है चाय के साथ खाने के लिए उसकी पेमेंट होती है तकरीबन एक बंदे की, तो इसलिए सुपर एक्सपेंसिव। और ये मेरे पीछे है जुमेरा पब्लिक बीच जो कि काफ़ी लोग इन्जॉय करने आते हैं पर्टिकुलरली इस वेदर में, और एज़ यू कैन नोटिस यहाँ पे काफ़ी सारे वेस्टर्न लोग डेफिनेटली रोमिंग अराउंड इन देयर बिकिनीज क्योंकि यहाँ पे मुआशरा जो है थोड़ा सा टॉलरेंट है। ये जगह देख के तो ऐसा लग रहा है कि कैलिफोर्निया आ गया हो, कैलिफोर्निया वाला ही वो पेड़ है और रंग बिरंगी वैसी बिल्डिंगें ऊंची ऊंची। स्वागत है ये दुबई मरीना में, मैं तो यहाँ पे पहली बार आया हूँ, मैडम पहले आ चुकी हैं और हम खाना खाने आए हैं ऑपरेशन फलाफल में जो हमारे पीछे है, जगह जिसे कहते हैं ना यहाँ पे आप ये लगा लीजिए बहुत सारे वेस्टर्नर्स एक्सपैट्स वगैरह रहते हैं। Above all, be yourself all the time. Let no one tell you what you can't do. It's all about life and progression, motivation and the lessons and the blessings that come with it all. And if you feel like quitting, don't stop, keep going, 'cause you know they love to see you fall. I don't know about you, but I'm trying to ball, 'cause I ain't had enough and I deserve it all. I put my all in it like no days off. भाई साहब मैं ठीक देख रहा हूँ, 140 किलोमीटर स्पीड की 140 फॉर कार। And she was driving at 120 and I was shouting at her. And there's a big sign of warning, like speed camera. Yeah, and the speed limit is 140. Oh, teri. I will stick to 110. Yeah, okay. मुझे नहीं पता था कि अबू धाबी दुबई से कोई 1.5 घंटा दूर है और अभी जहाँ से हम चले हैं मरीना से यहाँ से भी कोई 1 घंटा आगे है। All I wanna do is live
हमें पता भी नहीं लगा कब एंटर कर गए अबू धाबी। बस एक डिफरेंस ये रियलाइज हुआ कि शेख जायद रोड का नाम चेंज हो गया है और जो दोनों तरफ है ना काफ़ी सारी प्लांटेशन है, बड़े बड़े घर हमारे लेफ्ट राइट साइड पे एंटर दिखते जा रहे हैं बने हुए, और हर थोड़े थोड़े हर दो एक ब्लॉक के अंदर एक ना एक मॉस्क आ जाती है जैसे अभी एक यहाँ। कुछ नई जगह आने का एहसास होना शुरू हो गया, समथिंग न्यू हो दुबई देख देख के पक्के थे। या द वाइब इज गुड। बस जस्ट एंटर किए ही हैं, शेखजाद ग्रैंड मॉस्क भी देखी अभी अभी हमें। अब बस हम जा रहे हैं होटल की तरफ, होटल ने बुक कराया अलॉफ, अगेन मैरियट की प्रॉपर्टी है। फाइनली जी आना हो गया है अबू धाबी में, जो कि यूएई की राजधानी कैपिटल है। लेफ्ट राइट काफ़ी सारी हमें एम्बेसीज भी दिखी, अपना होटल बस पहुंच गया। मैं बार बार कहता हूँ यूएई में कोई एमिरेट्स है अलग अलग, जैसे कि दुबई हो गया, रसल खेमा हो गया, शारजा हो गया, फुजैरा हो गया, ऐसे ही एक अबू धाबी भी है, बट सारी मिनिस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे हैं क्योंकि ये कैपिटल। पार्किंग का रेट देखी घबराहट होगी, मगर होटल में स्टे करो तो ज्यादा मेरा कहना फ्री होनी चाहिए। पार्किंग इज फ्री राइट फॉर द होटल स्टे? दैट्स व्हाट आई रेड। या ओके। बड़े शौक से अबू धाबी देखने आए थे कि जाएंगे घूमेंगे नई जगह, यहाँ पहुँचे तो पता लगा कि यहाँ पे वो दुबई वाला सिस्टम नहीं है कि जिसको वैक्सीन लगी हुई है उसको आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम होटल में अंदर आ सकते हैं, मगर किसी भी क्लोज्ड या जैसे रेस्टोरेंट, होटल, म्यूजियम कहीं पर भी जाना हो तो कोविड टेस्ट चाहिए नेगेटिव, जो कि 14 दिन तक वैलिड रहता है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के अलावा। इसीलिए अब हमने यहाँ पे होटल में $50 में हो रहा था जो 24 घंटे में रिजल्ट आता है, या फिर एक्सप्रेस वाला था कि अगर वो कराना तो 350 दिरहम लगेंगे उसके एक कोविड टेस्ट के। सैंडर ने फटाफट फोन पे सर्च करी, पता लगा कि 15 मिनट दूरी कोई सेंटर है जहाँ पे कोविड टेस्ट फ्री में होता है। अब अपनी गाड़ी से तो फायदा हो गया, वहाँ जा रहे हैं फ्री का कोविड टेस्ट कराने। साफ सुथरा सुंदर शहर है, मतलब भीड़ कम है। आप ये लगा लो कि अभी तो रात के 9 ही बजे हैं, मगर फिर भी जो है ना सो गए हैं लोग, मतलब दुबई जैसी वो जो वाइब है ना वो नहीं है, मतलब शांत काम जी सके। असल में तो ये जी रेगिस्तान है, तो यहाँ ये सब पेड़ उग तो सकते हैं नहीं, तो ये यहाँ से सॉयल भी पानी भी लाल आके लगाते हैं सिटी को ब्यूटीफाई करने के लिए। दुबई के मुकाबले अबू धाबी में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, और हमको खुशकिस्मत समझना चाहिए कि हमारे देश को वो कहते हैं कि आम खा के गुटली फेंको तो पेड़ निकल आता है। इनको पेड़ लगाने के लिए भी कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हो गया जी टेस्ट, कह रहे हैं रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आ जाएगी। ये तो ये भी कह रहे हैं कि उसे तो सुबह तक भी आ जाए आपके फ़ोन पे। फ़ोन नंबर अपने पास सारी मैंने नीति दीदी का दे दिया है नंबर, उनमें पहुंचेगी तो उसके बाद आ जाए तो हम कल कुछ अबू धाबी घूमने लायक हो, वरना तो बार बार से जितना देख सकते हैं वही देखना पड़ेगा। बाकी जी वीडियो ये वाली पसंद आई प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।